हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डिंपल ठाकुर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एट योर प्लेसेस। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हम लोग जो है, आज हमारे गांव में वैसे सेकेंड डे है, तो आज हम लोगों की जो ज़मीन है यहाँ पे, वहाँ पे यू नो थोड़ा सा काम भी था, और मेरे को था कि फिर हम वहाँ पे भी देख के आ जाते हैं कि हाँ हमारी ज़मीन जो है वो कहाँ कहाँ पे है। पे हमारा एक्चुअली कोई प्लान है कुछ प्लांटेशन वगैरह का, तो इसलिए हम लोग उसको देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या हम लोग लगा सकते हैं और कितना। एक्चुअली काफ़ी ज़मीन है, वो रिसेंटली अभी हम लोगों ने बाय करी है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा उसको देखने जा रहे हैं। और हाँ, कल मैंने आपको बताया था ना, जो हमारा जहाँ पे हम लोगों ने एप्पल्स वगैरह लगाए हैं, वहाँ पे भी शायद आज हम लोग जाएंगे, तो वो भी मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, यहाँ से अभी हमने शुरू कर दिया है यार, पर जिस रास्ते से अभी हम लोग जा रहे हैं ना, वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगी, लिटरली बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और हम कार से ही जा रहे हैं, वहाँ पे पूरा कच्चा रास्ता है। और ये मतलब ये जो आपको पीछे, आई डोंट नो आपको अभी रोड समझ भी आ रहा होगा या नहीं, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, पीछे से जो दिख रहा है और पूरा कच्चा रास्ता, मेरे को इतना डेंजरस लग रहा है ना ये, तो मेरे लिए तो एक एडवेंचर ही होने वाला है ये। तो चलिए, मेरे साथ साथ मैं आपको भी दिखाती हूँ इस रास्ते को भी, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी। गाइस, ये है वो रास्ता जिससे हम लोग जा रहे हैं। देख लीजिए, कच्चा तो कच्चा है पर डेंजरस कितना है, मेरे लिए तो एक एडवेंचर की तरह ये। और है भी, देखिए कैसे ऊपर को है यार ये रास्ता। तो मैंने सोचा तब तक वो कार निकाल रहे हैं मेरे हस्बैंड, मतलब नीचे से लेके आ रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं खुद पैदल चल के ये रास्ते का थोड़ा व्यू ले लूँ, क्योंकि इस कार में बैठ के इतने सही से नहीं दिखता ये। तो मैंने सोचा मैं खुद जाके थोड़ा इसका व्यू ले लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यार देखो कैसा रास्ता है ये, बैठ जो व्यू है वो बहुत सही है। ये देखिए, इस रास्ते के लिए ना बाइक सही थी। हवा यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा चल रही है और धूप ना मेरी आंखों पे पड़ रही है एकदम। तो मेरे पीछे वहाँ पे जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, वो हमारी वहाँ पे खेत हैं, और अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने ज़मीन ली है। और यार इस रास्ते की हालत एक्चुअली इतनी ख़राब इसलिए ना, क्योंकि रिसेंटली ये रास्ता जो अभी बना है, अभी पक्का नहीं हुआ है, पक्का होना बाकी है अभी, और पक्का होने के बाद मे बी शायद इसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाए, तो फिर तो बहुत सही लगने वाला है जब ये रास्ता पक्का हो जाएगा। पर अभी चलो, फिलहाल कम से कम रास्ता तो है जाने के लिए। यार यहाँ से देखो कितनी ज्यादा हाइट पे हम लोग। सी पता है, ये रोड ना एक्चुअली पूरा इन द सेंस कि मतलब जितनी गाड़ी है उतना ही है, एक इंच भी इतना सा ज्यादा नहीं है ये रोड, पता है। तभी बोलते हैं जो पहाड़ों में गाड़ी चला सकता है वो कहीं भी चला सकता है। जो ये देखिए कितने सारे, ये वो वाले पेड़ है जो मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाए थे ना, वो जो मैं बोली थी दाड़ू जिसको बोलते हैं, अनार का छोटा वाला वर्जन, उसके कितने सारे पेड़ है यहाँ पे। अब इससे आगे कार नहीं जा सकती, तो अब हमें पैदल जाना पड़ेगा। हट लग रहा था पहले, बट फिर मेरे को पता लगा ये एक्चुअली घास है वो जो इकट्ठी करी हुई है, कि आगे जैसे प्रॉब्लम बारिश वगैरह में होती है ना जब घास वगैरह की, तो ये स्टोर करके रख देते हैं गाय भैंस के लिए, उनको देने के लिए। तो ये कितने सही से रखा हो यार, ऐसा लग रहा है जैसे हट है ये। तो ये है हमारी ज़मीन जो आपको दिखती है, ये पूरी चारों तरफ, सो ये आप देख सकते हैं पूरी ज़मीन है हमारी। हाँ जी, अच्छा, ये टोटल 8 बीघा ज़मीन है, तो काफ़ी है। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं जल्दी से लगाने के लिए प्लांट्स वगैरह, तो थोड़ा देखने आए थे आज हम इसको। तो सी वैसे तो यार यहाँ पे है जंगल है बहुत घना, ज़मीन तो काफ़ी पर जंगल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और एक्चुअली
इसको ये जो आपको सारा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, सारा पहले क्लीन करवाना पड़ेगा, सारा नीचे भी जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ क्लीन करवा के साफ करवा के देन यहाँ पे प्लांटेशन होगी। काम तो बहुत है यहाँ पे, लिटरली बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा खरपतवार है यहाँ पे। और देखिए ऐसा कितने जंगली पेड़ पौधे भी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हाँ एक है, ग्रीनरी बहुत है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ यार मेरे सूट से भी आज मैच कर रहा है, मेरा भी ग्रीन और ग्रीन ही ग्रीन है चारों तरफ, मैं भी ग्रीन, ये माहौल भी ग्रीन, बहुत सही लग रहा है चारों तरफ, ऐसा लग रहा है आसपास ग्रीनरी ग्रीनरी है कितनी सारी। आज बोलूँ जिस रास्ते से हम लोग कार में आए थे ना, और पैदल जिस रास्ते से अभी आगे आए, वो और ज़्यादा डेंजरस था। वहाँ पे वीडियो इसीलिए नहीं बनाई बिकॉज वहाँ पे गिरने का डर था, और मुझे इतना ज़्यादा एक्चुअली ऐसे रास्तों में चलने की, ऐसे रास्तों में चलने की आदत है नहीं, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि गिर जाऊंगी। तो तभी फिर कैमरा हम लोग वो नहीं शूट कर पाए कि ऐसा ना हो वीडियो के चक्कर में हम ही लोग गिर जाएं कहीं पे। तो अभी आप आगे दिखाती हूँ, रुको आपको ना यार, एक तो ये रास्ता ना थोड़ा, यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा प्लेन है पर पीछे काफी डेंजरस था रास्ता। सी सिग्नल भी नहीं है, आपको पता है एकदम जीरो, कोई भी दो सिम मेरे पास है ना, आइडिया चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, जियो चल रहा है, सब फेल है यहाँ पे, कुछ भी नहीं चल रहा है। गाइस ये देखो रास्ता, आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी ऐसे ही दिख रहा है। मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे, ये देखो रास्ता तुम चल नहीं रही हो रास्ते पे, मैं क्या, हाँ बहुत अच्छा रास्ता है, देखो मेरे को दिख नहीं रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा ना बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं लग रहा मैं जमीन देख रही हूँ, ऐसा लग रहा मैं ट्रैकिंग पे जा रही हूँ। एक्चुअली ना ये गांव है यहाँ पे, ये सामने ना जानवरों को वो बांधने के लिए, जानवरों का घर होता है ना वो है, और ये यहाँ पे जानवर पानी पीते हैं, इसको बोलते हैं खुरली। यहाँ पे जानवर पानी पीते हैं, देखो कितना बड़ा बनाया है उनके लिए। हाँ ये कितना सही लग रहा है यहाँ पे। अभी जहाँ से मैं वापस आई ना यार, मेरी हालत खस्ता हो गई कसम से, ऐसा लग रहा था मैं ट्रैक करके आ रही हूँ, और अब यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा, बहुत सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है अब यहाँ पे। मैंने एक चीज़ सही है, ये गांव ना वैसे काफ़ी ऊपर हाइट पे आते हैं, और बट यार देखो यहाँ पे भी मतलब कितना सही है, यहाँ पे भी डस्टबिन लगाए हैं देखो यार, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मतलब ये गांव एकदम साइड में जाके ऐसे ऊपर जैसे, और यहाँ पे देखो यार डस्टबिन है ताकि लोग गंदगी इधर उधर ना फेंकें। तो गवर्नमेंट हमारा कितना साफ़ सफाई का ध्यान रखती है, तो शायद हम लोगों को भी उस चीज़ में शामिल होना चाहिए और साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। मैंने सच्ची देखा है पता है, खासकर जो गाड़ी वाले लोग होते हैं, मैंने मैक्सिमम देखा है कुछ भी कोक पी के लेज वगैरह खा के सब सड़कों पे फेंक देते हैं। यार ऐसा ना करें, अपने बैग्स में डाल दो, कहीं डस्टबिन मिलता है आप उसमें डाल दो, मैं खुद ऐसे करती हूँ पर्सनली। हम ही लोग खुद गंद फैलाते हैं, फिर कहीं पे देखते हैं तो बोलते हैं कि लोग गंदगी फैलाते हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी ध्यान रखें इन चीज़ों का। फ्रेंड्स जो मेरा सबसे पहला व्लॉग मैंने बनाया था ना मनसा देवी टेम्पल का, वो आप ऊपर जो पहाड़ी देख रहे हो, सोचो हम वहाँ गए थे, हम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाइट पे हैं, और यहाँ से भी जो ऊपर आपको पहाड़ी दिख रही है, वहाँ से हम लोग गए थे मनसा देवी के टेम्पल पे। अभी हम लोग वापिस जा रहे हैं, और अभी हम लोग जहाँ पे हम लोग ने सेब लगाए ना, तो उस बगीचे में अभी हम लोग जा रहे हैं, सेब वाले बगीचे में, तो वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं आप सेब के बगीचे की तरफ, फिर वहाँ पे मिलते हैं अभी आपसे। और अब हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने सेब लगाए हैं, उस खेत में जा रहे हैं, तो आइए आप भी मेरे साथ, दिखाते हैं आपको। बस यहाँ पे रस्तों में थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो ये है वो सेब के पेड़ जो हम लोगों ने लगाया, अभी हम इन्हें देखने आए थे, अभी पिछली बार ये थोड़े छोटे थे, पिछली बार से अभी थोड़े से बड़े हो चुके हैं। एक्चुअली इतना आपको वहाँ आगे तक दिख रहा है, ये सारे सेब लगे हुए हैं, उनमें बीच बीच में आड़ू भी है, वो स्टार्टिंग में जहाँ से शुरू होता है खेत
वहाँ पे आड़ू भी लगे हैं स्टार्टिंग में, और बाकी जितना भी आपको पीछे तक दिख रहा है ये सारे सेब हैं। जैसे ये वाला पेड़ आप देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, बाकी इतने ज़्यादा अभी ग्रो नहीं हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया है ये वाला जो सेब का पेड़ अभी देख रहे हैं, बट अभी तो इनमें बहुत टाइम लगेगा सेब आने के लिए। बट चलो, यहाँ पे है बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी हमें इनके सेब खाने को मिले। तो एक व्यू देखिए, यहाँ से लेके आपको जितना भी एरिया दिख रहा है, इस पूरे एरिए में ये सेब के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक जितने भी हैं। आई थिंक ये मैक्स टू मैक्स आई थिंक 40-50 होंगे, 40-50 होंगे ये। यहाँ पे जो आप पेड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आड़ू और खुमानी के हैं, ये बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ। वो इनमें तो लगना भी स्टार्ट हो गया, ये देखो। और ये प्लम का पेड़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे छोटे छोटे लग भी गए, ये देखो कितने सारे लग गए यहाँ पे, कितने सही लग रहे हैं, बहुत सारे लग गए इसमें, बड़े छोटे छोटे हैं अभी, बहुत सारे प्लम लगे हुए हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ एक चीज है जो अपने खुद के ग्रो करे हुए या खुद के घर के ट्रीज में कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल लगे, उनको देखिए कितनी खुशी सी होती है ना एक अंदर से, ये मुझे ही होती है, आप लोगों को भी ऐसे होता है, मतलब बहुत अच्छा सा लगता है, मतलब अपने घर के पेड़ों में ऐसे फ्रूट्स लगे हों, वेजिटेबल्स हों, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। यार जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, सबसे अच्छी बात उनकी ये होती है कि उसमें कोई भी यू नो केमिकल नहीं यूज़ होता है, सारी ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें यूज़ होती है इसमें। जो खाद भी हम लोग यूज़ करते हैं वो यू नो काऊ डंग वगैरह उसकी खाद होती है, तो ये इसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं होते, तो बहुत हेल्दी होते हैं। जैसे आपको पता है यू नो आजकल बाहर या मार्केट में हम जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हैं तो उनको ग्रो कराने के लिए जल्दी कितने केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल की सबसे अच्छी बात है कि वो केमिकल फ्री होते हैं 100। हमने आपको अपने खेतों में लगे हुए जो एप्पल के या फिर प्लम के पीच के सारे प्लांट्स वगैरह भी दिखाए, और अब हम जा रहे हैं बैक टू शिमला, अब आपको घर जाके मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग शिमला के लिए निकल रहे हैं, और ब्लॉग का एंड करना तो हम भूल ही गए थे, और अभी याद आया निकलते वक्त, रात हो चुकी है तो हमने सोचा इस ब्लॉग को एंडिंग तो देनी है तो एंड कर लेते हैं। सो फाइनली वी आर गोइंग बैक टू शिमला। तो अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, और मिलते हैं फिर मेरे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।